मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी मीटिंग देखेंगे कि जो मीटिंग है ठीक है, ये वर्ड कहाँ से डिराइव्ड है ये पहले देखेंगे। ज्यादातर वर्ड लैटिन से आते हैं ठीक है। लैटिन शब्द मेटा मीन्स फेस टू फेस, मतलब आमने सामने ठीक है। तो सबसे पहले तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि आमने सामने जब लोग डिस्कस करते हैं फॉर अ गिवन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो सकता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम देखेंगे काफी सारे चीजें अभी। सो तुम क्या करोगे एग्जाम में, ए डिराइवेशन लिख देना ठीक है, उसके बाद बी इंट्रोडक्शन लिख देना एग्जाम में। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। भारत में 12 लाख कंपनीज है, क्यों पॉपुलर है, तुमको एप्पल नाम से ही बहुत अच्छा लगता होगा। एप्पल एक कंपनी है अमेरिका में, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, वहां पे लिमिटेड नहीं INC वर्ड यूज कर। इट्स मेंबर्स आर लार्ज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 32 लाख के आसपास शेयर होल्डर्स है, 32 लाख शेयर होल्डर्स है। मेंबर्स कंपनी के मालिक होते हैं, बट दे आर स्कैटर्ड ओवर वाइड एरियाज, पूरे इंडिया में लोग फैले हुए हैं करेक्ट। तो मेजरली कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे रहता है, मुंबई में रहता है। सपोजिटली हम लोग हैं अंडमान निकोबार में, लेकिन हमने शेयर्स खरीदा है, तुम कहीं पे भी इंडिया में रहो शेयर्स खरीद सकते हैं। तुम इंडिया से अमेरिका के शेयर्स खरीद सकते हो 50 लाख रुपए तक, अमेरिका वाला इंडिया में शेयर खरीद सकता है। तो कंपनी में क्या चल रहा है ये हमको कैसे पता चलेगा, यदि कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में, हम लोग साउथ इंडिया में रहते हैं केरला या चेन्नई में। तो मीटिंग एक प्रकार से फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है मैनेजमेंट और मेंबर्स के बीच में, जो कंपनी बुलाती है। उसमें एक फेमस मीटिंग है जिसको एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल में एक बार बुलाया जाता है 30 सितंबर से पहले, शॉर्ट में इसको AGM बोलते हैं। इस मीटिंग में कंपनी का मैनेजमेंट और शेयर होल्डर साथ में आते हैं, उसमें डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स और बहुत सारे चीजें डिस्कस हो सकते हैं जो उस समय की जरूरत हो करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मीटिंग्स नेसेसरी है। अब तुमको इंट्रोडक्शन में लिखना है तो तुम बोलोगे कंपनी मीटिंग नेसेसरी है फॉर डिस्कसिंग वेरियस टॉपिक्स एंड अराइविंग एट डिसीजंस। कंपनी की भाषा में या मीटिंग्स की भाषा में डिसीजन को रेजोल्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन, वो देखेंगे हम रेजोल्यूशन के वीडियो में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एक कंपनी, भारत में कितने कंपनीज है, 12 लाख, एक कंपनी में हजारों लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, रिलायंस में कितने शेयर होल्डर्स है, 32 लाख, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे, मुंबई में, शेयर होल्डर दिल्ली में हो सकता है, चेन्नई में हो सकता है। तो कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिलायंस के कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, 14। तो ये जो 14 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और 32 लाख शेयर होल्डर्स है, सबको साथ में लाना होगा तो मीटिंग बुलाया जाता है। कोई पर्टिकुलर काम होगा, एक तो कायदे से बुलाना होता है कि भाई तुम मीटिंग में आओ और डिसीजन लो, एक तो डिस्कशन, सी मीटिंग में दो चीज मेन होता है, डिस्कशन और डिसीजन ठीक है, डिस्कशन फॉलोड बाय डिसीजन, पहले डिस्कशन होता है और फिर क्या होता है, डिसीजन होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, व्हाट इज अ मीटिंग, अ मीटिंग इज अ गैदरिंग, साथ में आते हैं या असेंबल होते हैं दो या ज्यादा लोग, कम से कम दो। तुम खुद के साथ मीटिंग कैसे करोगे, वो तो तुम्हारे मन के विचार होंगे, कितने मीटिंग के लिए लोग चाहिए, दो, दो या ज्यादा लोग फॉर ट्रांजेक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस मतलब तुम मीटिंग में
कोई अनलॉफुल नहीं कर सकते। जैसे महाराष्ट्र में बीफ बैंड है, गुटखा बैंड है, तुम बिजनेस ये नहीं बोल सकते कि महाराष्ट्र में गुटखा सेलिंग का एक बिजनेस करेंगे, वो तुम नहीं कर सकते। या गुजरात में दारू नहीं बेच सकते, मीटिंग बुलाया कि गुजरात में दारू का अब दुकान खोलना है, तुम नहीं खोल सकते गुजरात, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, मीटिंग एक गैदरिंग है ऑफ टू और मोर पर्सन। अब तुमको डेफिनेशन भी लर्न करना होगा। लेट अस सी डेफिनेशन क्या बोलता है। कंपनी मीटिंग इज एन असेंबली ऑफ पीपल, एक जुड़ाव, एक लोग आते हैं साथ में फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग मैटर्स जो मीटिंग के संबंधित है। हो सकता है तुम कंपनी का नाम बदलना चाहते हो सकता है कंपनी का इंटरनल जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें बदलाव करना है। सो मीटिंग शेयर होल्डर्स का हो सकता है, डायरेक्टर्स का हो सकता है, की मैनेजर पर्सनल का हो सकता है, क्रेडिटर्स का हो सकता है, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स का मीटिंग है उसको एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रॉर्डिनरी मीटिंग बोलते हैं, ईजीएम। डायरेक्टर्स का बोर्ड मीटिंग, इनका अपना अलग मीटिंग होगा, इनका मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स होगा। सो आई होप अंडरस्टैंड मीटिंग क्या होता है। तुम्हारा आंसर कितने पॉइंट्स में होगा? सबसे पहले ए क्या बोलोगे तुम? ए बोलोगे डिराइवेशन, ठीक है। बी बोलोगे इंट्रोडक्शन, सी बोलोगे मीनिंग और डी बोलोगे डेफिनेशन। तुम्हारा आंसर इस प्रकार से तुमको लिखना चाहिए। तो ये था मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ मीटिंग।